मेन क्रॉक्स में अगर बताऊँ तो मुझे लगता है पेशेंस वो सबसे इम्पोर्टेंट, एंड ऑल्सो excited or I don't know, but it's a nice feeling actually. Yes, actually, let's see how I perform today and then tomorrow. रणवीर उसके बाद इतनी बार मुंबई आए हैं पर वो चीजें उतना याद नहीं है कि क्योंकि आप आते हो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो घूमते हो पैसे खर्च करते हो जो भी है एक नॉर्मल लाइफ बट वो टाइम बहुत ज्यादा याद है मुझे और यहाँ पे इतना पैदल पैदल घूमे हैं क्योंकि यू कांट अफोर्ड ऑल द टैक्सीज एवरी टाइम एंड एवरीथिंग तो बहुत घूमे हैं पैदल पैदल When invited to share what she would like to add to the group movement, she initially hesitated. She said, I just have a And had the cutest looking baby boy in 2004. The little milestone which parents keep track of as the baby grows, but later than the normal timeline for summer. This is the journey we started to spread awareness about neurodivergence and to promote mental health among parents. But it was only study, observed, and time versus solution which made the difference. Undoubtedly, there is no ultimate panacea for autism, no Baba or one medicine. We also tried traditional studies for that matter. But the key takeaway here is to not give up. Different brain used but eventually it is a success story so I really really wanted to tell people that this is a hopeful story don't get disheartened and by listening to you both I'm feeling so nice and right I now say one more thing your hats off to your confidence because being a audience mother and then speaking in front of the crowd so actually It took me like ages for me, but although it was just 1.5 months, learn तो हो गया था बहुत चीज़ें बट डिलीवरी करना किसी स्पीच को ये मैं एक्चुअली स्कूल के बाद अब कर रही हूँ तो मतलब एट दिस एज डूइंग इट लाइक वॉज क्रेजी मतलब बचपन की तरह मुझे बचपन के दिन याद आ गए थे जब मैं स्कूल के एग्जाम टाइम में पढ़ते थे हम सो आई हैव लिटरली लर्न इट लाइक दैट मेमोराइज इट लाइक अ किड सो येस इट टुक मी वन सम टाइम 1.5 महीना ऑलमोस्ट वेन वी केम टू नो हमने जब स्पीच लिखी थी तब से अभी तक एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड दैट इट वाज डिलीवर्ड नाइसली आने के पहले मतलब जस्ट
पाँच मिनट स्टेज में जाने से पहले आपकी कैसी सिचुएशन हो रही थी, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? मेरी हालत ख़राब थी, बिकॉज मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी मैं कि मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, और एक्चुअली मुझे बिल्कुल आई मीन थरो थी मेरी स्पीच, इट इज़ माई स्टोरी, तो मुझे तो थरो होना ही था. सिर्फ प्रॉब्लम वॉज दैट आपको लिखा हुआ जब याद करना होता है तो डिलीवर ब्यूटिफुली तो मुश्किल होती है, आपको वर्ड टू वर्ड जाना होता है. तो मुझे सब याद था, लेकिन पाँच मिनट पहले मुझे लगा मुझे अब कुछ नहीं आता है. आई वॉज ब्लैंक. मैंने कहा हे भगवान, अब तो मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगी, मैं शायद स्टेज पर खड़ी रहूँगी एंड आई मेक फूल ऑफ माई सेल्फ, कोई मतलब ही नहीं है. बट येस सम हाउ जब वहाँ पहुँची एंड मैंने बोलना शुरू किया तो आई डिड गुड. कुछ थोड़े से फंबल्स थे बट आई गॉट द कॉन्फिडेंस बाय द किड एंड ऑफ कोर्स अभिषेक टेलिंग मी दैट आई डिड वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स पीपल व्हेन पीपल केम टू मी एंड टोल्ड मी कि आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा बोला एंड उनको रिलेट कर पाए वो उस चीज़ से, स्टोरी से मेरी, कि आपने जो बोला दैट वाज वेरी इमोशनल ऑल दैट, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने डिलीवर अच्छा किया. मतलब मैं अपनी स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से बता पाई, लोगों को वो मैसेज दे पाई जो एक्चुअली उस स्टोरी में था, तो वो प्रॉपरली तरीके से अक्रॉस किया है, तो मुझे अब बहुत खुशी हो रही है. आपको ऐसा लगता है कि मतलब स्पीच सुनने के बाद लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ होगा या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने सब कुछ बताया है, हमने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करी है. हमने बताया है कि समर कैसा था और समर अब कैसा है, कितना डिफरेंस है और उसमें हम किस किस फेजेस को हमने गुजारा है. उसमें मेन एलिमेंट क्या था, उसको ऐसे कितना जो उस फेज से इस फेज में लाने में मेन एलिमेंट क्या था, उसको एक क्रक्स में आप बताना चाहो अगर? मेन क्रक्स में अगर बताऊँ तो मुझे लगता है पेशेंस वह सबसे इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो जिस जो हम नॉर्मेलसी की बात करते हैं दैट गोज़ फॉर, जो मैंने उसमें बोला भी है, दैट गोज़ फॉर एवरीथिंग. नॉर्मेलसी, थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, थिंकिंग अबाउट योर किड, थिंकिंग अबाउट योर सोसाइटी, सब कुछ मिला के जो नॉर्मेलसी क्रिएट करना ज़रूरी है, जो करनी चाहिए, आई थिंक मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड कीपिंग पेशेंस स्पेशली फॉर पेरेंट्स, कि बचपन से बड़े तक पेशेंस रखे अगर आप करोगे, रिजल्ट तो ब्यूटिफुल होता ही है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ आई गेस. टेडेक्स के थ्रू क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे दिस विल गो अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे लोगों को ऑटिज्म और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूरोडाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो सीखेंगे वो हमारी स्टोरी से या हमारी स्पीच से जो हमने बोला है. सो येस थैंक यू सो मच एंड अबाउट द कमिटी ऑल द स्टूडेंट्स हुआ इन्वॉल्व, आई एम थैंक यू सो मच फॉर being connected to us for the in the whole journey, whole process, helping us out and speech and rehearsals and everything for that matter. Thank you so much. And humko yahan par aake itne important topic ke bare mein aapne bolne ka mauka diya hai, which was actually very important and I'm so thankful for that. You want to thank the writers of the script? Actually I should. I would not want to, you wo mere ghar ki mooli hai. So I really want to say thank you Abhishek and Kuhu for editing it. So they both have done a wonderful job, amazing, beautiful script likhi thi mere liye and I think main usko justice kar pai bol ke and with proper delivery and expression. So if they are happy, I'm happy.